हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही सुंदर और टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे एक फ्राई पैन लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। पैन को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और उसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से फैला लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक को तोड़ेंगे। तो हम इसे एक को तोड़ लेंगे, तो इसे हम एक को तोड़ लेंगे। तो हम 4 अंडे इसमें तोड़ रहे हैं। अब हम 1 चम्मच के सहारे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें ज्यादा भुर्की के जैसे नहीं चलाना है, इसमें पीसेस तैयार करना है तो हम आराम आराम से इसे चलाएंगे। अंडे को हमने मिक्स कर लिया है, अब थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच से इसे पीसेस का शेप देके ऐसे ऐसे और चलाएंगे, जिससे कि हमारे राइस में ये जो पीसेस है अच्छे से दिखेगा। तो ऐसे हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हुए इसे अच्छे से पका लेंगे। अपना अंडा जो है देखिए फ्राई हो चुका है, इसके अच्छे से पीसेस बने हैं, यानी कि मोटे मोटे। अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम अंडे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने एक भुर्जी को खाली कर लिया है, अब हम इसी पैन में सब्जी फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम आपको सब्जी बता दे रहे हैं। तो सब्जी में हमने कैबेज, बीन्स, कैरेट, ग्रीन चिल्ली, स्प्रिंग ओनियन का ग्रीन पार्ट, कैप्सिकम, ओनियन को हमने बारीक काट लिया है, 15 से 20 कली गार्लिक को हमने बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए अपना चलिए तेल गर्म हो चुका है अपना, उसमें हम सबसे पहले गार्लिक डालेंगे। तो ये हम एक फ्राइड राइस बना रहे हैं, यानी कि चाइनीज जैसा ही हम बनाएंगे। तो गैस का फ्लेम हम तेज ही रखेंगे। गार्लिक को हमें जस्ट कच्चापन दूर करने के लिए इसे फ्राई करना है। लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है, अब हम इसमें ओनियन डाल रहे हैं। तो हमने 1 मीडियम साइज ओनियन को अच्छे से काट लिया है और इसे भी हम आधा मिनट ही भूनेंगे। तो ध्यान रहे गैस का फ्लेम हमें तेज ही रखना है। तो आप देख सकते हैं अपनी प्याज की कच्चापन चली गई है, अब हम इसमें बीन्स और कैरेट डालेंगे। तो सबसे पहले हमने कैरेट डाला और साथ में ही हम बीन्स भी डाल देंगे, ग्रीन चिल्ली भी हम साथ में ही डालेंगे और इसे भी हम आधा मिनट तक भूनेंगे। फिर से आपको बता दे रही हूँ, गैस का फ्लेम तेज ही रहना चाहिए क्योंकि हम एक फ्राइड राइस बना रहे हैं, तो चाइनीज डिश में फ्लेम तेज रहता है, ये मैं सब वीडियो में बताती हूँ। और इसे हम जस्ट कच्चापन दूर होने तक भूनेंगे। तो ध्यान से देखिए, बीन्स और कैरेट की कच्चापन चली गई है, अब हम डालेंगे
कैधेज और केप्सिकम। तो सबसे पहले हम कैधेज डालेंगे। हम केप्सिकम लास्ट में डालते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है और इसे भी हम पेस्ट लेके आधा मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। इसे हम कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे क्योंकि फ्लेम अपनी बहुत ही हाई रहती है। हमने कैबेज और कैप्सिकम भून लिया है, अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालिए और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन चिल्ली सॉस डालेंगे। तो यहाँ पे हमें रेड चिल्ली सॉस नहीं डालना है, तो ग्रीन चिल्ली सॉस हम ज्यादा ही डालेंगे। 2 चम्मच हमने डाला है और अब हम व्हाइट विनेगर डालेंगे। तो हम 2 चम्मच व्हाइट विनेगर डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सॉस विनेगर मिक्स हो चुका है, अब हम राइस ऐड करेंगे। तो राइस को हमने पहले ही बॉयल कर लिया था, अब हम उसको ऐड करेंगे इसमें। अब हम राइस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कभी भी हम चाइनीज फ्राई के लिए जब राइस तैयार करते हैं तो उसे 90% ही कुक करते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल खिला खिला अपना चावल है, एक एक दाना अलग अलग दिख रहा है। अब हम इसी के साथ डालेंगे फ्राई किया हुआ एग, क्योंकि ये अपना एग फ्राइड राइस है। तो हमने इसे कैसे पीसेस में फ्राई किया है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि जब हम फ्राइड राइस तैयार करें तो अपनी एग को दिखना चाहिए। अब हम अच्छे से इसे स्टर करेंगे। तो हमने एग को राइस के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देखिए कितना टेंटिंग लग रहा है अपनी एग फ्राइड राइस। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो हम एक प्लेट लेंगे और इसे सर्व करेंगे। ये खाने में तो जबरदस्त लगता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो हमने एग राइस को सर्व कर लिया है, अब हम इसको थोड़ा सा ग्रीन ऑनियन से गार्निश करेंगे। तो हम थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी एग फ्राइड राइस तैयार हुई है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। ये खाने में बहुत ही जबरदस्त लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।